इरशाद स्पीक्स के मौजूद दोस्तों, मेरा नाम है इरशाद अहमद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। नजरी ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे पुरेसरार दरवाजे हैं जो एक लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। इन पुरेसरार दरवाजों को ना तो आज तक कोई खोल पाया है और ना ही किसी ने खोलने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि इन दरवाजों को शायद किसी मंत्र की मदद से ताला लगाया गया है कि जिसे खोल पाना किसी इंसान के बस में नहीं। ये बात अब तक वाजी नहीं हो सकी कि इन दरवाजों को किसने बन किया था। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ पुरेसरार दरवाजों का जिक्र करने वाले हैं जो पुरेसरार तौर पर बंद है और जिनको आज तक कोई नहीं खोल सका। तो आज की ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। एहराम मिस्र का अबू लहल। मिस्र में मौजूद एहराम सदियों से इंसान के लिए मामा बने हैं। कदीम जमाने में बनाई गई बुलंदुबाला अमारत और इसमें जो कि तू मसालेहा लगी मम्मिया लोगों को हैरत में डाल देती है। लेकिन इनके अलावा एहरामों के तहखानों में कई ऐसे दरवाजे पाए जाते हैं जिन्हें आज तक नहीं खोला जा सका। इस तरह अबू लहल का एहराम भी है। इसके तहखाने में बने हुए दरवाजे खोलने की इजाजत आज तक मिस्र की हुकूमत ने किसी को नहीं दी। स्प्रिंग होटल रूम नंबर 873। एक होटल का रूम इतना डरावना हो सकता है कि उसे हमेशा के लिए ताला लगाना पड़ सकता है। ये एक ऐसा होटल है जो कनाडा में वाकई है। इस होटल के बारे में मशहूर है कि इसमें एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसका नंबर 873 है और इसमें एक फैमिली ठहरी थी, मगर जब सुबह मुलाजमीन ने दरवाजा खोला तो पूरी फैमिली को मुर्दा हालत में पाया और दीवारों पर खून के निशान थे, जिसके बाद इस कमरे को सबके लिए बंद कर दिया गया। आज भी इस होटल में ठहरने वाले लोगों को कुछ पुरेसरार चीजें नजर आती है और इस कमरे के ताले को आज तक नहीं खोला जा सका। द हिडन चैम्बर ऑफ ताजमहल। ताजमहल सात अजूबों में से एक दिलचस्प अजूबा है जिसके बारे में हम सब ही जानते हैं, मगर इसके अंदर पाए जाने वाले खुफिया चैम्बर से बहुत कम लोग वाकफियत रखते हैं। इसे शाहजहां ने अपनी लाडली बेगम मुमताज के लिए बनाया था। ताजमहल के कई खुफिया दरवाजे भी बनाए गए थे, लेकिन आज तक ये दरवाजे मुकम्मल तौर पर सील है। कुछ लोगों का ये मानना था कि इनके पीछे इनके देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई है। कहा जाता है कि ये मूर्तियां यहाँ इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि ताजमहल पहले मंदिर था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। द हॉल ऑफ रिकॉर्ड। आपने टीवी वगैरह में मिस्र में वाकई ग्रेट स्पिन ऑफ गिजा की मूर्ति तो देखी होगी। इस मूर्ति का सर इंसान नुमा और धड़ किसी बड़े जंगली शेर जैसा है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इसके अंदर कोई पुरेसरारियत ना हो। इस पर आज भी माहिरीन की तहकीक का सिलसिला जारी है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस मूर्ति के अंदर बड़े बड़े हॉल हैं, लेकिन इस हॉल के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे खोदने की इजाजत मिस्री हुकूमत ने आज तक किसी को नहीं दी। लेकिन कुछ अहले अकल ये भी बयान करते नजर आते हैं कि इन दरवाजों को बंद ही रहना चाहिए और इन राजों को राज ही रखना चाहिए। पद्माहा स्वामी टेम्पल। ये मंदिर इंडिया की रियासत में है। ये दुनिया का सबसे महंगा मंदिर भी कहलाता है क्योंकि इसको सोने की मदद से बनाया गया था। ये दरअसल हिंदुओं की भगवान विष्णु का मंदिर है। एक शाही फैमिली ने अपना बहुत सारा पैसा लगाकर इसकी मुरम्मत करवाई थी और अपना बहुत सा खजाना उस खानदान ने इस मंदिर के तहखानों में छुपा दिया था। ये तजुरिया गुज़श्ता कई सालों से बंद पड़ी थी और इसे खोलने की इजाजत किसी को नहीं थी। साल 2011 में जब हुकूमत ने उसे खोलने की मंजूरी दी तो वहाँ के लोगों ने उन्हें खबरदार किया कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो हर चीज तबाह हो जाएगी। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए एक कमेटी बनी जिन्होंने इन दरवाजों और तिजोरियों को खोला तो उन्हें 6 में से 5 तिजोरियों में कीमती अशिया मिली और एक तिजोरी अब तक खोली ना जा सकी। फर्स्किन एम्पेरर। दो भाई चीन के एक शहर में कुएं के खुदाई में मसरूफ थे तो उन्हें इस दौरान इंसानी तारीख के सबसे बड़े आसार कदीमा का सुराग मिला और उन्हें जेर जमीन मिट्टी के पुतले मिलना शुरू हो गए। गर्ज की उन्हें इस जगह से मजीद ऐसे हजारों पुतलों का एहसास हुआ। इनमें से कई पुतले कदीम सिपाहियों के थे जिन्हें निहायत महारत से तराशा गया था। ये पुतलों का बड़ा कब्रिस्तान दरअसल एक चीनी बादशाह की सल्तनत थी। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द का हिस्सा बहुत बड़ा है जिसे खोदने में दहाइयां लग सकती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसको बंद ही रहना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि जिन दो भाइयों ने इस चीज को दरियाफ्त किया था वो लोग बीमारियों की जद में आकर मर गए और उनके अंजाम को देखने के बाद इस बाजार के दरवाजे खोलने से लोग आज भी खौफजदा है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।